हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फंतब्बा पर स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो मिस्ट्री ऑफ शंगरीला पार्ट 1 में शंगरीला के रहस्यों को बताते हुए वीडियो को नमक के खरीदारों को गढ़वाली लोग लूडी कहते हैं पर खत्म किया था, वहीं से आगे की कहानी की अब शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ जाए। इसके पहले पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप इसे हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक रात शोका लोगों ने अपने शिविर में खैरालिंग के नागनाथ के भैरव गणनाथ कालू भैरव की आत्मा का आवाहन कर उन्हें मानव माध्यम अवतरित करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान किया। जब ये सब हो रहा था तो लस्या पट्टी के लूडी भी वहाँ मौजूद थे। मानव शरीर में देवता के अवतार पर जोहार के लोग पाफर के आटे का भोग अर्पित करते थे। अवतरित देवात्मक भक्तों की व्यक्त आकांक्षाओं का मानवीय भाषा में समाधान बताने लगे। ये सब देखकर पहले टिहरी और अब के रुद्रप्रयाग जिले के लस्या पट्टी के लूडी बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि जोहार के लोग देवता को सिर्फ फाफर का भोग चढ़ा रहे हैं। यदि नागनाथ हमारे लस्या पट्टी आ जाते तो हम इन्हें बासमती का भोग चढ़ाते। किंवदंती है कि देवता ने लस्या पट्टी वालों की बात सुन ली और अगले ही दिन लूडियों की वापसी यात्रा में उनके साथ चल दिए। बागेश्वर से वापसी के पहले दिन लूडियों का पड़ाव ग्वालदम में पड़ा। ऊंचाई वाले ठंडे शिविर में नमक की टोकरियां एक तरफ रखकर वो रात्रि निवास के साथ ही भोजन की व्यवस्था में जुट गए। पर्याप्त सूखी लकड़ी जमा करने के बाद उन्होंने आग जलाने के प्रयत्न शुरू किए। उस दौर में आग जलाने के लिए स्फटिक यानी डांसी पत्थर के टुकड़े पर लोहे के उपकरण को जोर से घिसकर चिंगारी पैदा की जाती थी। एक लूडी ने अपनी जेब से डांसी पत्थर निकाला और आग जलाने की बार बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एक के बाद दूसरे ने कोशिश की, फिर तीसरे ने, लेकिन कोई भी आग जलाने में सफल नहीं हुआ। थकान, भूख और जनवरी की ठंड से उनकी हालत दयनीय हो गई थी। तभी उनमें से एक लूडी धाम सिंह नेगी को वही एक अन्य डांसी पत्थर का टुकड़ा मिला। जैसे ही उसने इस डांसी पत्थर पर अगेला रगड़ा, आग जल उठी, भोजन पकाया गया और रात की ठंड से बचने के लिए धुनी भी जला दी गई। अगली सुबह जब सभी लूडी अपनी नमक की टोकरियां उठाकर अगले पड़ाव की ओर बढ़ने लगे तो धाम सिंह नेगी ने पाया कि उनकी टोकरी बहुत भारी हो चुकी है। कई लूडियों ने मिलकर भी उस टोकरी को उठाना चाहा, लेकिन फिर भी वो टोकरी हिली तक नहीं। लूडियों को एहसास हुआ कि जोहार के नागनाथ देवता ने बासमती के भोग की बात सुन ली है और अब देवता उनके साथ ही चल रहे हैं। उन्होंने ये भी मान लिया कि डांसी का वो पत्थर जो बीती रात धाम सिंह को मिला था, उसी में नागनाथ प्रतिस्थापित हैं। इसके बाद लस्या पट्टी के रास्ते में जहाँ जहाँ लूडियों ने पड़ाव डाला, वहाँ उन्होंने नाग देवता को प्रतिस्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं जगहों पर स्थानीय लोगों ने नाग देवता के थान बनाए और उनकी पूजा करना शुरू किया। इतिहासकारों ने भी इसी आधार पर यह स्थापित किया है कि नाग पूजा पद्धति की उत्पत्ति कुमाऊं में हुई और वहां से नेगी राजपूतों के जरिए ये गढ़वाल में आई। जोहार के नाग देवता को आवाहन करती एक लोक कथा में कहा गया है, जन्म हवेली तुमरो सनबला ज्वार, बचापुरी केला खुरी के नाग, पाल्यान पटियाल देवता काटी जालो खेरा वुनी ज्वार, बीटी ऐसी पिठूरी का गड़ा। इसका मतलब है, हे नाग देवता, तुम्हारा जन्म संवाला जोहार में हुआ है। हे अपने वचन के पक्के केला खुरी के नाग, ऐसे ही तुमने निर्जन बियाबान स्थान में जन्म लिया, तुम ऐसे निर्जन जोहार से पिथौरा गढ़ चले गए। इसी तरह इतिहासकारों का मत है कि जौनसारा में भी नाग देवता बागेश्वर के उत्तरयाणी से ही आए हैं। इस पर एक कहानी भी प्रचलित है कि एक बार जब सिरमौर के राजा अपने क्षेत्र में नरभक्षी बाघ को मारने में असफल रहे, उन्होंने गढ़वाल के राजा मानसाहा से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनके राज्य का कोई वीर इस नरभक्षी बाघ को मार देगा तो वो उसे अपने राज्य का कुछ हिस्सा देंगे और अपनी बेटी का विवाह भी उससे करवा देंगे। तब राजा मानसाहा ने अपने प्रतिनिधि इंदुवाण को नरभक्षी को मारने के निर्देश दिए। इंदुवाण अपने छोटे भाई की मदद से बाघ को मारने में सफल भी रहा, लेकिन सिरमौर के राजा अपने वादे से मुकर गए और इंदुवाण की हत्या की साजिश करने लगे। इंदुवाण और उनके भाई को जैसे ही इस साजिश की भनक हुई, उन्होंने सिरमौर के राजा की हत्या कर दी। इसके बाद इंदुवाण ने राजा की बेटी का विवाह अपने छोटे भाई से करवाया और उन्हें अपने साथ काशी ले आए। लोक मान्यताओं के अनुसार
इंदुवान जाति का मूल पुरुष केला खुरी थात से था। एसएस पंक्ति बताते हैं कि इस लोक मान्यता में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इंदुवान की तरह ही रुद्रप्रयाग की लस्यापट्टी के नागनाथ को भी केला खुरी का ही निवासी बताया जाता है। संभव है कि जौनसार से ही लूणी व्यापारी नागेश्वर आते होंगे और वो भी ऐसे ही नागदेवता से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ ले आए हों। जोहार के शोका लिखने वाले इतिहासकार डॉक्टर शेर सिंह पांगती के अनुसार एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे की अपेक्षा स्थानीय इतिहासकार पंडित नैन सिंह रावत और बाबू राम सिंह ने हल्दुआ और पिंगलुआ की कहानी को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने भी शाक्य मुनि, जिसे शाक्य लामा भी कहते थे, उसकी कहानी जरूर लिखी है। ये शाक्य लामा उस बौद्ध धर्म का था जिसमें लामाओं के आकाश में उड़ने और ख्युंग पक्षी की मान्यता है। वैष्णव धर्म के विपरीत दाई से बाई दिशा की ओर धर्म चक्र घुमाने और मठों की परिक्रमा उल्टी दिशा में करने के अलावा बकरी की छाती चीर कर हृदय निकालने जैसे बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठान के कुछ लक्ष्य आज भी जोहार के समाज में मिलते हैं। नागिन की पूजा करने और चरखमिया चंगपांगी लोगों को नाग की संतान कहे जाने की कहानी के आधार पर कहा जाता है कि जोहार में नागवंशी लोग निवास करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से पहले मंगोलिया, चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम और भारत के हिमालय भूभाग पर बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते थे। कुमाऊं में कत्यूर वंश के अवसान और चंद वंश की शुरुआत के समय ये पूरा इलाका नेपाल के डोटी शासन के अधीन था। चंद शासन काल की जब शुरुआत हुई तो गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल और कुछ अन्य जगहों से भी लोग आकर जोहार में बसने लगे थे। इस दौरान यहाँ पहले से रहने वाले लोगों और बाद में बसे लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष भी हुए। फिर साल 1597 में राजा रुद्रचंद ने सभी गुटों के बीच समझौता करवाया। राजा रुद्रचंद के शासन में ही इस पूरे इलाके को जीत कर चंद वंश में मिला लिया गया। धीरे धीरे पूर्व निवासी पंजवारी और बाद में आए लोगों के बीच वैवाहिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए और कालांतर में बौन अथवा बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ कम होता गया। कुमाऊं के निकट संपर्क में रहने के कारण इस पूरे समाज ने फिर वैदिक धर्म को अपना लिया। 18वीं सदी के मध्य में भादु बूढ़ा की चौथी पीढ़ी में पैदा हुए कौंचो बूढ़ा ने बमन गांव के जयदेव नाम के एक द्वेदी ब्राह्मण को आमंत्रित कर उन्हें मिलम वालों का पुरोहित नियुक्त किया। उनके बाद जोशी, पंत, पांडे, त्रिपाठी, लोहनी आदि पंडित आकर जोहार के पुरोहित बने। इसी अवधि में अलग अलग इलाकों से शिल्पकार और मिरासी वर्ग के लोग भी यहां आकर शोकाओं के आश्रम में रहने लगे, जिससे यहां वर्ण के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सन 1660 में भादु मिलमवाल और लोरू ब्रिजवाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने गए राजा बाज बहादुर चंद का मार्गदर्शन किया था। इससे खुश होकर बाज बहादुर चंद ने इन्हें जोहार के कई गांव बतौर जागीर दिए। कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित होने से पहले चंद शासकों की बलता के कारण जोहार एक स्वतंत्र क्षेत्र की तरह रहा। यहां पर जसपाल बूढ़ा मिलमवाल का स्वच्छंद शासन चलता था। साल 1790 में गोरखों बड़ी सरलता से कुमाऊं को जीतकर अगले कुछ सालों में गढ़वाल फिर कांगड़ा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। लेकिन जोहार के तत्कालीन प्रधान जसपाल बूढ़ा ने 10 साल तक गोरखाओं को जोहार में घुसने नहीं दिया। हालांकि युद्ध के हालात में लगातार कमजोर पड़ते व्यापार और आर्थिक स्थिति के कारण जसपाल बूढ़ा ने गोरखाओं के साथ संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। आगे चलकर जसपाल बूढ़ा का पुत्र विजय सिंह ने नेपाल दरबार से लाल मुहर हासिल करने में सफल हुआ और यहाँ का निरंकुश शासक बना। नेपाल दरबार में जब उसकी शिकायत हुई तो विजय सिंह को नया प्रधान नियुक्त किया गया। इन्हीं विजय सिंह की चौथी पीढ़ी के उत्तम सिंह रावत ने साल 1878 में पूरे कुमाऊं में सबसे पहले ईसाई धर्म अपनाया। हालांकि स्थानीय लोग इस धर्म परिवर्तन से खुश नहीं थे, लेकिन पादरी उत्तम सिंह रावत और उनके पुत्र प्रिंसिपल हेनरी जॉन रावत और डॉक्टर आर्थर रावत ने जो जनहित और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए उससे शोका समाज का भला ही हुआ। साल 1812 में विलियम मूरक्राफ्ट के तिब्बत भ्रमण से लौटने और इस सीमांत व्यापार के फायदे देखने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे क्षेत्र को गोरखाओं से जीतकर अपने अधीन कर लिया। बाद में कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने इस क्षेत्र से होने वाले तिब्बत व्यापार पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। असल में कंपनी सरकार को इस व्यापार के जरिए तिब्बत की रेकी करने का अवसर मिल गया था। विलियम ट्रेल ने तब इस पूरे इलाके के व्यापारियों के लिए ट्रांजिट टैक्स भी समाप्त कर दिया, जिससे शोका समाज की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर। उनकी ये समृद्धि तब तक बनी रही
जब तक 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध के चलते व्यापार बंद नहीं हो गया। इस व्यापार का बंद होना बड़ा झटका था क्योंकि लोहार मुनस्यार क्षेत्र के लिए उनकी पूरी आर्थिकी इसी पर निर्भर थी। लेकिन इसके बाद भी इस क्षेत्र के लोगों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई और बेहद दुर्गम इस इलाके से निकलकर वो देश दुनिया में छाए। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हमें इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।